भाजपा से 54 नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी बिहारी लाल अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए घर घर जाकर दस्तक दे रहे हैं। उनके साथ समर्थकों का बड़ी मात्रा में जुड़ाव देखा जाता है। इस बीच उन्हें बड़े बुजुर्ग माताओं का खूब प्यार मिल रहा है। रविवार शाम बिहारी लाल ने जनसंपर्क अपने घर से शुरू कर गोपाल जी मंदिर, मणिथोक चामुंडा माता मंदिर से थमूथोक की तरफ प्रत्येक गली व घर घर जाकर जनसंपर्क किया। साथ ही उन्होंने भाजपा की नीति और रीतियों से जनता को अवगत कराते हुए भाजपा प्रत्याशी के रूप में खुद को वोट देने की अपील की। इस बीच बिहारी लाल ने कहा कि उन्हें माता बहनों बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और युवाओं का उनके पास साथ है ही। साथ ही उन्होंने भाजपा से चेयरमैन बनाने की जनता से अपील की। कहा कि अगर चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी से होगा तो वह विकास कार्य कराएगा, अगर चेयरमैन अन्य दल से बन जाएगा तो वह विकास कहाँ से लेकर आएगा, जिसका ऊपर ही कोई लेना देना नहीं होगा। जैसा कि चुनाव प्रचार प्रसार करने के लिए दो दिन से आप किस तरह अपने प्रचार को गति दे रहे हैं? हम घर घर जाकर अपना प्रचार कर रहे हैं और बहुत अच्छा हमको माताओं का बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है और युवाओं का तो आप देख ही सकते हैं पूर्ण बहुमत से हमको आशीर्वाद मिल रहा है। इससे आगे किसी रैली का या सभा का आयोजन होना है? कल हमने अपनी रैली का आयोजन किया है जो हम अपने घर से पूरे गांव में होकर निकालेंगे। आगे जनसंपर्क कहाँ के लिए रहेगा? ये जनसंपर्क अपने थम्मू थोक में कर रहे हैं, घर घर जाकर कर रहे हैं और आगे भी जहां तक जाएंगे वहां तक करते रहेंगे। पूरे गांव का आशीर्वाद है, माताओं का, बुजुर्गों का, पूरे गांव का इतना आशीर्वाद है कि चौमा में ऐतिहासिक जीत होगी। जनता जनार्दन के आशीर्वाद। जनता से क्या अपील करना चाहोगे? जनता जनार्दन का हमको प्यार मिल रहा है, अपील यही करते हैं कि भाजपा को अपना वोट दें ताकि विकास हो सके और जब भाजपा का प्रत्याशी जीतेगा तो विकास तो होगा ही होगा। और जिसकी सरकार ही नहीं है, जिसका कोई ऊपर कोई लेना देना नहीं है, फिर वो विकास कराएगा ही कहाँ से?